एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। होप यू आर गुड। एंड आज टाइम हो चुका है 10:30 और हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह डन कर चुके हैं और आज हमने मेथी के परांठे बनाए थे, बहुत ही हम बने थे। और आज हम बनाने वाले हैं लंच में बिरयानी, वेज बिरयानी। तो मैंने सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या करने वाली हूँ। ये मेरा सारा रेसिपी ब्लॉग रहने वाला है, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं बताऊँगी, जस्ट आपको अपना रेसिपी बताऊँगी कि मैं कैसे वेज बिरयानी बनाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम रेसिपी बनाई थी वेज बिरयानी की 26 को, एंड बहुत यम बनी थी। शशि जी को बहुत पसंद आई थी एंड मेरे भाई को बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर से बना दे आज प्लीज़ हमारे लिए। तो मैं 2 दिन के गैप के बाद फिर से बना रही हूँ। आप देख सकते हो गाइज मेरा स्ट्रगल, मतलब मैं खाना बनाते बनाते लाइफ जा रही है मेरी। और अभी चलो हम वेजेस को कट करेंगे और मैंने चावल को कुक होने के लिए डाल दिया है, तो चलो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। गाइज जब भी आप राइस को कुक होने के लिए डालो तो आपने क्या करना है, इनका पानी निकालना है। इनको वैसे कुक नहीं करना है कि आपने विसल लगा दिया कुछ भी। तो हमने यहाँ पे चावल रख दिए हैं, इसमें आपने 1 टीस्पून जो है वो रिफाइंड ऑयल का डाल देना है ताकि हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने। आप घी भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हो। और आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक टुकड़ा दालचीनी का और एक इलायची को भी डाल देना है। तो मैं जल्दी से डाल लेती हूँ। तो गाइस एक टुकड़ा आपने दालचीनी का, एंड आपने क्या करना है, 2-3 इलायची जितनी भी आप लोगों के पास है आपने राइस में ही कुक होने के लिए डाल देनी है। और आपने क्या करना है, 1 टीस्पून, मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ, आपने स्पून के साथ डाला देना। तो इतना सा हम डाल देंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, और घी भी डाल सकते हैं, बट घी जो है वो ऊपर से अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यस गाइस, आपको पता है कि मैं हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद की फेमस आपको पता है बिरयानी है, और वेज बिरयानी मतलब इतनी टेस्टी नहीं होती है। लोगों का यही मानना है कि वेज बिरयानी जो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है, नॉन वेज जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे ये था कि नहीं, मतलब शशि भी ऐसा बोलते हैं कि वेज बिरयानी नहीं होती है टेस्टी, यहाँ पे उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बनाऊँ, क्योंकि मैं सीख भी जाऊँगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और आई स्वेयर गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी यम बनी थी। मतलब मुझे खुद की बनाई हुई चीज़ बहुत पसंद आई थी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ऑनियन ले लेने हैं, जितना भी आप क्वांटिटी में बिरयानी बना रहे हो। हम 3 लोगों के लिए बन रही है, 3 से 4 लोगों के लिए हमारी बिरयानी बन रही है। तो मैं ले रही हूँ 5 ऑनियन, 6 ऑनियन ले रही हूँ, और अब इनको हम कर लेंगे स्लाइसिस में चॉप। और गाइज आपको मैं बता दूँ कि आपने वेजेस का भी ध्यान रखना है, सारी वेजेस लेनी है जितनी आपके पास हो, पॉसिबल हो। और मुझे ज़्यादा वेजेस वाली बिरयानी भी पसंद नहीं है, तो मैं मतलब बहुत कम क्वांटिटी में वेजेस को डालती हूँ। और मुझे अभी अच्छे से आता नहीं ऐसे चॉप करना, मेरे को डर लगता है कि मेरे फिंगर कट ना हो जाए। तो फटाफट से मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। ये रही हमारी फ्लास्विन की सब्जी, हमारे टमाटर, गोभी, गाजर और प्याज, और यहाँ पे रहे हमारे मटर। जल्दी से अभी इनको मैं बॉईल होने के लिए पानी में डाल दूंगी, थोड़ा सा इनको बॉईल करूंगी ताकि बिल्कुल अच्छे ग्रेवी में पक जाएं। फिर गाइस इसमें हमने क्या करना है, धनिया पाउडर, नमक और हमने हल्दी, और साथ में हमने क्या करना है कि बिरयानी मसाला, आपने सारी चीज़ें इसी में मिक्स करनी है। आपने तड़के में कोई भी मसाला नहीं डालना है, जस्ट आपने इतना सा नमक डालना है कि हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से भुज जाएँ, और बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं डालनी है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1 कटोरी दही में डालनी है आपने ये सारी चीज़ें। सो गाइज हमने ये सारे मसाले दही में ऐड कर दिए हैं और इनको हमने अच्छे से फेंट दिया है। और यहाँ पे हमारा प्याज जो वो भुनने के लिए जा चुका है, और थोड़ा सा आधा प्याज हम निकाल लेंगे जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम उसी में टमाटर डाल देंगे, फिर उसको हम अच्छे से ग्रेवी बनने देंगे। जैसे ही हमारा दही और मसाला तेल छोड़ देगा, उसके बाद हम सारी वेजेस को इसी में डाल देंगे। चलो जल्दी से डाल देते हैं। तो गाइज आपने क्या करना है कि हाफ चावल को सब्जी में मिक्स कर लेना है, फिर आपने व्हाइट चावल डालने हैं। और फोन आ गया, 1 मिनट बंद करो भैया, साइड से बटन दबाओ, साइड से बटन दबा दो साइड से। तो आपने क्या करना है, आधी सब्जी को चावल में मिक्स कर लेना नीचे, फिर आपने व्हाइट चावल डालना है, फिर बची हुई सब्जी को आपने ऊपर से डालना है, फिर आपने भुना हुआ प्याज डालना है, सीख लेनी है। और मेरे पति आपको सिखा देंगे, और फिर हमने ऊपर से बचे हुए व्हाइट चावल फिर से डाल देने हैं। मैं थोड़ा सा भूल गई थी, सॉरी, क्योंकि ये मेरे पति देव आ चुके थे, फिर हम लग पड़े थे जल्दी से बनाने के लिए। तो अभी हम व्हाइट चावल डालेंगे ऊपर से, हम बिल्कुल देसी स्टाइल में हाथ के साथ ही लग पड़े, क्योंकि हमारे पतीले में नहीं आ रहे और हमारे पास बर्तन अभी कम है। तो अभी हम गैस भी चलाएंगे 2-3 मिनट के लिए। चलो अब जल्दी से कर लेते, फिर हम डालेंगे ऊपर से 1 आधी कटोरी घी की। तो गाइज ये डिलीशियस सी बिरयानी हमारी रेडी है, हमने ऊपर से टॉपिंग कर दी है प्याज की। और यहाँ पे देखो मेरे कुक को सैंडो में लग पड़े हो आप तो बिल्कुल।
तो ये हमारे कुक हैं यहाँ पे, और अभी हम इसमें डालेंगे गर्मा गर्म घी, मत जलना मत हाथ। तो अभी हम घी डाल रहे हैं, देख लो आप कितना घी डालेंगे हम इसमें। अभी ऐसे डालना कि देख लो। चारों तरफ से हो जाए, ऐसे डालना सब जगह पे हो जाए घी की, क्या मजा आ जाएगा। इतना घी साइड में मत गिराना घी गाइस, इतना घी खाएंगे हम। तभी इससे टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। यस। और अभी हमने सिम पे गैस को चला दी है, फिर हम मजा ही मजा मजे मजे हो जाएंगे अभी। ये मेरी सिग्नेचर बन गई। तो गाइज अभी अपनी टी शर्ट पहन के आ गए हैं ताकि मेरी पूरी लुक लगे लोगों को पता। तो जैसे हम अपनी गैस ऑन करेंगे फिर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे 3-4 मिनट के लिए। डाल दो ढक्कन। तो अभी हमने इसमें ढक्कन डाल इससे दिया, गर्म रहेगी और अब बढ़िया इसमें स्ट्रीम बनेगी, थोड़ी गर्म हो जाएगी, फिर एक क्लास बन जाएगी ये बिल्कुल। तो गाइज ये देखो अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इनकी बाजू में क्या हुआ, ये ये रेड कैसे हो गई है? ये लग गई मेरे को लग रहा है। कहाँ लगी आपको? खून निकल गया। खून निकल गया। ये कैसा खून है आप बताएंगे थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को? ये होठों का खून है। जल्दी से डालो, पागल हो गए हो। आप डालो। नहीं आप अच्छे से बैठो, पहले बैठो गाइस। यहाँ पे लग पड़े ये, और इसका कलर तो बहुत डिलीशियस आया हुआ है। मजे मजे से नीचे मत फेंकना, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये गाइस। अब कलर देखो कितना, ये मत नीचे से क्यों उठा रहे हो, साइड में कर रहे हो गाइस। ये देखो सबसे पहले ये अपनी प्लेट लगा रहे हैं हमारे लिए गाइस। बहुत यम बनी है ये, बहुत यम। ये मेरी है तो अभी हमारे भैया के लिए डलेगी। तो गाइस ये खा रहे हैं दोनों भुक्खड़ दोनों भाई, और मुझे बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं कैसी बनी है, पहले बताओ। बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, कितने रिव्यूज हो गए आप? चलो मुझे अपने हाथ से टेस्ट करवाएंगी। 99.9 कमाल है मेरे हाथों का। तो अभी हम लंच कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बड़के फ्री कैसी बनी है? अच्छी बनी है। देखा मैंने बनाई आके ड्यूटी से आके।